गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास एलकेजी, सब्जेक्ट जीके। टुडे माय टॉपिक इज क्लॉथ्स वी वियर। क्लॉथ्स वी वियर। ओके स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने फैमिलीज, मी एंड माई फैमिली नेम कंप्लीट किए थे। आज हम क्लॉथ्स वी वियर या क्लॉथ्स नेम राइट करेंगे। क्लॉथ्स वी वियर, ये वो कब क्लॉथ्स होते हैं जो हम वियर करते हैं, जो हम पहनते हैं, जो पहनने के हमारे डेली के जो क्लॉथ्स होते हैं उनके नेम, कुछ क्लॉथ्स के नेम हम यहाँ राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी नोटबुक ओपन करिए और मेरे साथ राइट करेंगे। एस एच आई आर टी S H I R T shirt। shirt means kameez। J A C K E T J A C K E T jacket। jacket means जैकेट। एफ आर ओ सी के। एफ R O C K frock। frock means frock। जो गर्ल्स फ्रॉक पहनती हैं उसे फ्रॉक बोलते हैं। C A P C A P cap। cap means टॉपी। cap भी हमारी क्रॉस नेम में ही आती है। S H I R T shirt। shirt means kameez। J A C K E T jacket। jacket means जैकेट। एफ आर ओ सी के। एफ आर ओ सी के
फ्रॉक, फ्रॉक मीन्स फ्रॉक. सी ए पी, सी ए पी. कैप, कैप मीन्स टोपी. एस डब्लू ई ए टी ई आर. एस डब्लू ई ए स्वेटर मीन्स स्वेटर या जर्सी. एस एच आई आर टी शर्ट, शर्ट मीन्स कमीज. जे ए सी के ई टी जैकेट, जैकेट मीन्स जैकेट. एफ आर ओ सी के फ्रॉक, फ्रॉक मीन्स फ्रॉक. C A P cap, cap means टोपी. S W E A T E R sweater, sweater means sweater. आज हमने 5 क्लॉथ्स नेम राइट किए हैं. देखिए, शर्ट, जैकेट, फ्रॉक, कैप, स्वेटर. इसे फेयर नोटबुक में राइट करना है, उसके बाद आपको रीड करके लर्न करना है. इसमें देखिए, जैकेट और स्वेटर ये ज़्यादातर सर्दियों में पहना जाता है. स्वेटर वूलन का होता है, इसलिए सर्दियों में ठंड से बचने के लिए पहनते हैं. कैप विंटर में भी पहनते हैं और समर में भी पहनते हैं. विंटर में वूलन वाली कैप पहनते हैं और समर में गर्मी में जो धूप से बचाती है वो वाली कैप हम वियर करते हैं या पहनते हैं. ओके स्टूडेंट, शर्ट मीन्स कमीज, जैकेट मीन्स जैकेट, फ्रॉक मीन्स फ्रॉक, कैप मीन्स टोपी और स्वेटर मीन्स स्वेटर. इसे जर्सी भी बोलते हैं और स्वेटर भी बोलते हैं, जो वूलन से बना होता है और ठंड से हमारी रक्षा करता है, हमें ठंड से सेफ रखता है, बचाता है. ओके, कोल्ड से प्रोटेक्शन करता है स्वेटर. थैंक यू स्टूडेंट, ये 5 क्लॉथ्स नेम आप राइट करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आगे क्लॉथ्स नेम आपको राइट करवाए जाएंगे. जब तक आप इन्हें फिर नोटबुक में राइट करके लर्न करिए. थैंक यू.